माजूने कुचला, समझ रहे हैं? जैसे सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम का ये बड़ा ख़ास तोहफ़ा है आप सभी हजरात के लिए, तो आप इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो देखिए, पहले आप स्किन पर ये नुस्खा देखें, फिर उसके बाद इसके बनाने का तरीका, फिर इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसका तरीका, फिर इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले आपको कुचला मुदब्बिर लेना है 3 तोला, मिर्च सिया लेना है 1 तोला, मगहान लेना है 1 तोला, सेंड लेना है 1 तोला, दारचीनी 1 तोला, सुहागा 1 तोला और शहद खालिस 500 ग्राम। तो ये आपका नुस्खा हो गया। अब इसके बनाने का तरीका ये होगा कि इन तमाम अज्जा को कूट पीस करके कपड़ छन कर लें। कपड़ छन करने के बाद इसे फिर शहद में मिला लें, समझ रहे हैं? इसका सफ़ूब बनाने के बाद इसको शहद में आप मिला लीजिएगा। जब आप इसको शहद में मिला लेंगे तो ये आपका माजून तैयार हो जाएगा। जब ये आपका माजून तैयार हो गया तो इसको किसी अच्छे शीशी में, कांच के शीशी में महफूज कर लें। इसके खाने का तरीका ये होगा कि 4 मासे से लेकर 6 मासे तक 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1.5 चम्मच डाल करके इसको इस्तेमाल करें, समझ रहे हैं? तो इसके फ़ायदे ये होंगे कि ये मुकव्वी बदन है, बदन को ताकत देगा, और अगर किसी के पेट में ज़्यादा कब्ज़ रहती हो तो कब्ज़ भी इससे दूर हो जाएगी, और मुकव्वी मैदा भी है, और बदन में कहीं भी अगर दर्द रहता हो, दर्द की शिकायत रहती हो, तो वो दर्द भी इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही आला किस्म का माजून है, जिस्म में, जोड़ों में कहीं भी अगर दर्द रहता हो तो वह दर्द भी इससे जाता रहेगा। आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, और जो दुबले पतले लोग हैं, कमज़ोर किस्म के लोग हैं, ये उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला।